था, सरकार ने 1 रुपए पेट्रोल और डीजल पर सिर्फ का चार्ज लगा दिया है, जी मतलब 1 रुपए बढ़ोतरी होगी पेट्रोल डीजल, जी जी जी, कितना सही कदम मानते हैं आप? ये तो ठीक कदम है, तो जो 1 रुपए लग रहा है ठीक है, जी हाँ सही कदम है। सर आम बजट आ रहा था, सरकार ने सिर्फ के नाम पर 1 रुपए पेट्रोल और डीजल में बढ़ा दिए हैं, ठीक है बिल्कुल सही है, कितना सही मानते हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है, सही कदम है, क्योंकि जो भी टैक्स लिया जाता है वो रिटर्न होकर जनता के पास ही आता है, इसलिए बिल्कुल सही है और करप्शन मुक्त गवर्नमेंट है ये। आज ही नहीं है, अरे चलेगा आगे, देखिए इसमें ऐसा है कि यहाँ पर हमारे जो सिविल डिफेंस के कर्मठ जो हमारे साथी लोग हैं वो हैं, और हमारे पुलिस वगैरह हमेशा हर कार्यक्रम में साथ में रहती है, और ERTO साहब हैं और लीडिंग सिविल सप्लाई हैं और SSP साहब के नेतृत्व में सब यहाँ पे हमेशा ऐसे काम चलते रहते हैं। इस बार हमने ये सोचा है कि इस बार जो पेट्रोल पंप जो डीलर्स हैं उन सबका सहयोग लिया जाए, तो ये प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम से इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पर नो हेलमेट नो पेट्रोल तो चलेगा, लेकिन साथ में हमारे जो सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हैं वो जो इस तरह के लोग आएंगे उनका नंबर नोट कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि किस तरह की कोई घटना हो यहाँ पे, अगर कोई ज़बरदस्ती अगर एक्सीलेट करके चले जाए तो हम उसके पीछे दौड़ें फिर पकड़ें फिर एक्सीलेट हो, ऐसा भी नहीं चाहते हैं। अगर कोई ऐसा करता है लेकिन हम उसको दंडित भी करना चाहते हैं उसी के फ़ायदे के लिए, तो वो उसका ये रहेगा कि उनके यहाँ पर नंबर्स नोट हो जाएंगे, ERTO साहब फिर उनके घर में जाके उस चालान को पहुँचवाएंगे, और उसके अलावा यदि कोई और भी ऑफेंस बनेगा तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। मेरा आपके माध्यम से सभी नगरवासियों से और जितने मोटर बाइक चालक हैं उनसे तो है ही है, उनके शुभ चिंतकों से ज़्यादा है, उनकी माओ से, उनकी वाइफ से, उनके बच्चों से, कि वो उन सभी को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। देखिए आज ही नहीं, ट्रैफिक माह विगत माह में यहाँ पर मनाया गया, उसको देखते हुए ट्रैफिक में जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको पालन करने के लिए सबको बताया गया, विशेष करके हेलमेट और सीट बेल्ट पर हम लोग का ड्राइव चला, कानपुर में काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब और चीज़ें जो हम लोग करने जा रहे हैं वो नो हेलमेट नो पेट्रोल, हर जगह जो पेट्रोल का पॉइंट है मिलने का पेट्रोल पंप वहाँ पर उनके जो भी मालिक लोग हैं उनसे अनुरोध किया गया है पेट्रोल पंप एसोसिएशन से भी कि ये लोग विदाउट हेलमेट वालों को पेट्रोल ना दें, उसके लिए व्यवस्था एक स्तर पर होर्डिंग के माध्यम से की गई है, दूसरे स्तर पर हमने कैमरे भी इनसे लगाने के लिए कहा है ताकि जो भी आदमी आए पॉइंट पर पेट्रोल ले अगर वो हेलमेट नहीं लगाए तो उसकी गाड़ी का नंबर ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा और उसका चालान वहीं से कट जाएगा। तो ये सभी आपके माध्यम से सभी जितने भी बाइकर्स हैं जितने भी रोड पर चलने वाले लोग हैं जो उनके गार्जियंस हैं कि जब घर से चलें तो हेलमेट लेके चलें और जब रोड पर चलें तो हेलमेट लगाएं, हेलमेट पीछे रखे ना रहें, बहुत बार देखा गया कि हेलमेट पीछे रखे रहते हैं, तो इसके माध्यम से एक तरफ तो उनकी जान बचेगी, दूसरी तरफ ट्रैफिक सेंस और डिसिप्लिन बढ़ेगा और थर्ड ट्रैफिक रेगुलेट रहेगा।